गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा सियाटिका का जो पेन होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है या उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। सियाटिका इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपने लगातार या हमेशा सुना होगा कि आपके इनके जानने वालों को सियाटिका का दर्द होता है या आपके एक दोस्त थे उनको सियाटिका का पेन होता है। तो सियाटिका का जो पेन है उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि डायग्नोस कैसे किया जाएगा कि जो पेन आ रहा है ये सियाटिका का ही पेन है। नाउ क्लिनिकल हिस्ट्री पॉसिबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जो सिम्टम्स हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये दर्द सियाटिका का है या सियाटिका का नहीं है। द सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑनसेट क्या था, ये सडनली चालू हुआ पेन या धीरे धीरे जो ना पेन चालू हुआ। जो सियाटिका के पेन है वो 90% सडनली आते हैं। द सेकेंड वन इज द लोकेशन ऑफ द पेन, कि जो दर्द है उसकी लोकेशन कहां है। अगर हम सियाटिका के पेन को देखें तो वास्तव में कमर में नीचे से चालू होता है, एक तरफ जाता है, ये वास्तव में बटक्स में जाता है, पांव में जाता है, लेकिन एक ही पेन में जाता है। और जो इसका जो रेडिएशन है, जो कमर से लेके बटक से लेके पांव के नीचे तक जाने का रेडिएशन है, ये इसकी डायग्नोसिस की की है। और वास्तव में इस चीज को या सिम्टम को एलिसिट करने के लिए हम बहुत सारे जो ना काम करते हैं। आपको स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठने के लिए बोलते हैं, खड़े होने के लिए बोलते हैं, एंड देन बताइए कि दर्द में क्या फर्क पड़ा। हम आपको हील पर या टो पर चला के देखते हैं इस चीज को देखने के लिए कि आपका मसल पावर कैसा है, इन पेन वापस आता है कि नहीं आता है। हम आपको सीधे लिटाकर ये जो पांव है इसको सीधा जो ना उठाने के लिए बोलते हैं विदाउट बेंडिंग ऑन द नीज टू सी कि स्ट्रेच करने से ये पेन आता है या पेन नहीं आता है। नाउ इसको कंफर्म करने के लिए इमेजिंग हमें हेल्प करती है। जब हम इमेजिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन टूल्स हैं। नंबर वन इज द एमआरआई। जो एमआरआई है वो इमेजिंग की चॉइस है। अगर हम एमआरआई को देखें तो ये हमें तीन इंफॉर्मेशन देती है। जो वर्टिब्रा की जो डिस्क है इनका अलाइनमेंट कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई डिस्क स्लिप हो गई है, इन सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर दे रही है। ये हमें लिगमेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है कि लिगमेंट कोई ब्रेक तो नहीं हो गया है या लिगमेंट में कोई कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं हुआ है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा जो मसल्स होती हैं इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है एमआरआई। तो एमआरआई को अगर हम देखें तो इट्स इमेजिंग चॉइस। द सेकंड वन इज द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कभी कभी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देती है। जहां तक एक्सरे का सवाल है, एक्सरे हमें नर्व के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। एक्सरे हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है तो बोन के बारे में, वर्टिब्रा के बारे में। तो इसलिए अगर हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो एमआरआई चाहिए। नाउ जब हम रिलीफ की बात करते हैं कि सिम्टम आया सियाटिका का तो ठीक कैसे होगा, सबसे पहला काम आइस या हीट से इसको जो हीट को अप्लाई करने की जरूरत है। जो पेन है सियाटिका का वो आइस एंड हीट से डेफिनेटली हेल्प होता है। जो हीटिंग पैड या आइस पैक है उसको यूटिलाइज करके देखिए। जब भी आप इनको अप्लाई करते हैं तो 20 मिनट के लिए अप्लाई करिए, एवरी 2 आवर अप्लाई कर दिए तो हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप खुद देखिए कि आपको आइस पैक हेल्प करता है या हीट पैड हेल्प करता है। जो भी चीज आपको हेल्प करती है उसको जो फॉलो करिए। नाउ कभी कभी आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि एक बार आपने आइस पैक यूज किया फिर हीट पैड यूज किया, फिर आइस पैक यूज किया फिर हीट पैड यूज किया, तो आपको अल्टरनेट करने से भी कभी हेल्प मिलेगी। नाउ द सेकंड वन इज द स्ट्रेचिंग। जब सियाटिका की बात होती है तो कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड। इट इज ट्रू कि सडन ऑनसेट सिम्टम आए, सिम्टम बहुत सीवियर है, अनबियरेबल पेन है, तो फॉर अ डे और टू बेड रेस्ट मे बी देयर, लेकिन इसके बाद आपको एक्टिव रहना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज ऐसी मानती हैं कि अगर आप मूव करते हैं तो जो इन्फ्लेमेशन है वो ग्रेजुअली कम होता है, जो पेन है वो ग्रेजुअली कम होता है। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने की जरूरत है। और जो जेंटल स्ट्रेचिंग है हैमस्ट्रिंग मसल की या लोअर बैक मसल्स की, उनको धीरे धीरे आपको स्ट्रेच करने की जरूरत है। जो योगा जैसी जो एक्सरसाइजेज हैं वो वास्तव में आपको हेल्प करती हैं। तो ये जो सुपरवाइज स्ट्रेचिंग होती है या ग्रेजुअल जो बिल्डअप होता है वास्तव में रिकवरी की है। तो स्ट्रेचिंग चाहिए,
बट सुपरवाइज चाहिए, इसलिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द मेडिकेशन। जो मेडिकेशन है बहुत सारी ओवर द काउंटर या मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती हैं, जो आप जाके ले सकते हैं। जैसे एसिटामिनोफेन जैसी जो मेडिसिन है पेन किलर, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेन किलर जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट कहते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। एस्पिरिन होती है, डिस्प्रिन होती है, आइबोप्रोफेन होती है, ब्रूफेन होती है, नेप्रोक्सोन होता है। इस तरह की जो पेन किलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ये आप टेंपरेरली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेन नहीं जा रहा है डिस्पाइट दीज मेडिकेशन, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ ये बात सही है कि 90% जो सियाटिका के पेन है वो आइस कोल्ड पैक्स, स्ट्रेचिंग एंड ओटीसी पेन किलर, इनसे ठीक हो जाते हैं। इनसे नहीं ठीक हुए तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने वास्तव में आपको मेडिसिन दी, आपने कुछ दिन बेड रेस्ट किया, ये ठीक हो जाता है। लेकिन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर सियाटिका इसलिए है क्योंकि आपकी डिस्क एक स्लिप हो गई है या डिस्क हर्निएटेड है, तो ये बात सही है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। और अगर ये सिम्टम्स 4 से 6 हफ्ते तक चलते चले गए, तो सर्जरी एक ऑप्शन खड़ा हो जाती है कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। जो ऑपरेट करते हैं सर्जन, वास्तव में जो हर्निएटेड डिस्क है इसका एक पोर्शन निकाल के अलग कर देते हैं, वो पोर्शन जो सियाटिका सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर दे रहा था। तो जो प्रेशर दे रहा था, जैसे ही उस पोर्शन को अलग किया जाता है तो सियाटिक नर्व के ऊपर का प्रेशर खत्म होता है, तो सियाटिका का जो सिम्टम है वो खत्म हो जाता है। एंड 90% टाइम्स इस तरह की जो सर्जरी है, इससे पेन परमानेंटली रिलीफ हो जाता है। कभी-कभी सर्जरी के पहले जो डॉक्टर्स हैं कुछ इंजेक्शंस को रिसॉर्ट करते हैं इन सीवियर केसेस जिनमें ओरल मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा है और सर्जरी तुरंत ऑप्शन नहीं है, तो कभी कभी जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन हैं वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिए जा सकते हैं। इस तरह के जो इंजेक्शन हैं डायरेक्टली मेडिसिन को उसी एरिया में दिए जाते हैं जहां सियाटिक नर्व इरिटेट हो रही है। नाउ व्हाट एवर मे बी द चॉइस, चाहे सर्जरी हुई, चाहे आपने पेन किलर से अपना ठीक किया, चाहे इंजेक्शन से ठीक किया, रिहेबिलिटेशन इज द की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि जो सियाटिका है इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर रिकरेंस। अभी ठीक हुआ दोबारा हो जाएगा, तो इसलिए इवन सर्जरी के बाद दोबारा होने का डर रहता है। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन इज द की। जो बेंडिंग फॉरवर्ड का मूवमेंट है इट हैज टू बी वेरी कॉशियस, इसको अवॉइड करने की जरूरत है। जो आप लिफ्ट करते हैं चीजों को, हैवी ऑब्जेक्ट को, उनसे बचने की जरूरत है। आप लंबी ड्राइव पे जाते हैं, काउच बनके ऐसे बैठते हैं, आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, अपना पोस्चर ठीक मेंटेन करना चाहिए, एंड बहुत लंबी जो ड्राइव्स हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत है। इन द बिगिनिंग जब आपको सियाटिका का दर्द उठा तो एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स, तब तो ये आपको जरूर ही करने की जरूरत है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिजियोथेरेपी के साथ जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रांग होते चले जाते हैं बैक की, तो फिर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नाउ सियाटिका को प्रिवेंट करना है कि आपको ना हो, तो क्या करना चाहिए? आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। उस रेगुलर एक्सरसाइज में देखना चाहिए कि जो बैक मसल हैं वो स्ट्रांग हो। आपको जो अपना पोस्चर है वो ठीक मेंटेन करना चाहिए। जो स्लाउचिंग होती है इट्स नॉट रियली द गुड चॉइस, आपको स्ट्रेट बैठने की आदत डालना चाहिए। अगर आप गुड पोस्चर मेंटेन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और आपको कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो वास्तव में आपको नी पर बेंड होने की जरूरत है, ताकि आप वो उठाएं तो जो स्ट्रेन है वो नी पर आए ना कि आपके बैक पर आए। तो इसलिए आप अगर बैक पे स्ट्रेन बचाएंगे, आप बैक इंजरीज को बचाएंगे, तो सियाटिका जैसी जो प्रॉब्लम है उसके होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि 90% जो सियाटिका की प्रॉब्लम्स हैं वो विद मेडिकेशन सेटल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, इसको आपने नजरअंदाज किया, तो कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशन खड़े हो सकते हैं। इन उस कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा डर इस चीज का है कि कहीं पांव पतला ना हो जाए, कहीं पांव के मसल्स की स्ट्रेंथ ना चली जाए, कभी ऐसा ना हो कि एसोसिएटेड आपकी पेशाब की थैली या आपकी जो लैट्रिन का रास्ता उसका कंट्रोल गड़बड़ा जाए। अगर ये इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं तो ये इमरजेंसी इंडिकेट करते हैं, आपको डॉक्टर को दिखाने की तुरंत जरूरत है। नाउ अगर आप ट्रीटमेंट को ध्यान से देखें तो हीट एंड कोल्ड आपने पैक यूज किए,
आपने कुछ ओवर द काउंटर्स मेडिसिन यूज की, आपने डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन यूज की, नहीं काम चला तो आपने इंजेक्शंस लगाए, और नहीं काम चला तो आपको सर्जरी करानी पड़ी। दिस इज द वे जैसे कि सियाटिका ट्रीट होता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लीमेंट थेरेपीज हैं जिनके बारे में जरूर आप सोच सकते हैं। एक्यूपंचर इज द वन जो हमेशा यूज किया जाता है सियाटिका के ट्रीटमेंट में, आप इसको ट्रीट इसको यूज कर सकते हैं। जो मसाज थेरेपी इज द वन जो आप यूज कर सकते हैं। योगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जेंटल स्ट्रेचिंग है ऑफ द मसल्स, कभी कभी ये जो सियाटिका जैसा पेन है इसको धीरे 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 कंप्लीटली ठीक करने की ताकत रखती है। ऐसे ही बहुत से चिरोप्रोक्टिक एडजस्टमेंट्स हैं जो वास्तव में इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दिला सकते हैं। तो इसलिए ये जो इस तरह की जो चीजें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में आती हैं, इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके बारे में अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये कह सके कि ये डेफिनेटली जो सियाटिका है उसके ट्रीटमेंट में यूज की ही जानी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें कि सियाटिका का जो पेन है वो 90% टाइम्स विद मेडिकेशन विद इंजेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन 10% टाइम्स कभी कभी अगर नहीं ठीक होता है, एंड डिस्क अगर स्लिप है जो सियाटिक के ऊपर प्रेशर डाल रही है, उसको कभी ऑपरेट कराना पड़ जाता है और डिस्क के उतने पोर्शन को अलग कराना पड़ जाता है। तो जो सियाटिका का ट्रीटमेंट है उसको समझने में अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।